हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम इग्नू के 0 MCSE 003 का और एक टर्म एंड का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो हमें दिया गया है, गिवन द फॉर्मूला E1, ये है फंक्शन E1, मतलब है ए एरो बी, E2 मतलब है नॉट बी और जी का मतलब है नॉट ए। हमें प्रूव करना है प्रूफ दैट जी इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ E1 एंड E2 विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो हमें प्रूव करना है ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है E1 एंड E2 का विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल को ना यूज करते हुए। तो चलिए देखते कैसे इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस प्रूव करेंगे। तो जी इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ E1 एंड E2 हम प्रूव करेंगे ऐसे। हम क्या करेंगे, E1 एंड E2 implies G, ये इक्वल टू हम ट्रू प्रूफ करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में टॉटोलॉजी का दिखाया था कैसे लाते, उसी तरह से हम ये इक्वल टू ट्रू प्रूफ करेंगे। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये इज इक्वल टू टू है, ट्रू है, तो ये हम ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया E1 एंड E2 implies G, और E1 फंक्शन का वैल्यू क्या है, ए एरो बी, तो हमने लिख लिया E1 की जगह ए एरो बी, एंड E2 की वैल्यू क्या है, नॉट बी, तो हमने लिख लिया नॉट बी, एरो जी की वैल्यू हमने लिख लिया नॉट ए, हो गया। अब हम सिंपली इसको प्रूफ करेंगे। तो आपको पता है कैसे प्रूफ करते हैं ट्रू, आपने अगर मेरा टॉटोलॉजी वाला वीडियो देखा हो, विदाउट यू पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो पहले हम इम्प्लाइज दैट को हटाते हैं, तो पहले अंदर वाला इम्प्लाइज दैट हटाते हैं, तो क्या मिलेगा, नॉट ए और बी, ये मिलेगा हमें, एंड नॉट बी एज इट इज इसको लिख देते हैं। फिर बाहर वाला मतलब ये पूरा इम्प्लाइज ए, इसको हटाते हैं, तो यहाँ नॉट बैठेगा और नॉट ए, ठीक है, ऐसे होता है। हमने ए की लाइन में दो इम्प्लाइज दैट को हटा दिया। अब क्या करना है हमें, ये जो नॉट का सिंबल है इसको अंदर डालना है। तो इस नॉट के सिंबल को अगर हम अंदर डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये नॉट अंदर आएगा, मतलब ये एंड ये, इसे ऐसे देखिए आप, ये पूरा का पूरा एक टर्म देखिए एंड ये, तो नॉट इसके ऊपर लगेगा, नॉट ये जो है वो एज इट इज बैठ जाएगा, फिर एंड ये क्या आएगा, नॉट नॉट बी, तो नॉट नॉट बी होगा तो सिंपल बी हो जाएगा और नॉट ए, ठीक है। अब फिर से बाहर, इसके बाहर नॉट है तो ये अंदर जाएगा, तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, नॉट नॉट ए होगा तो सिंपल ए हो जाएगा, ये और का बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे एंड सिंबल था वो और हो जाएगा, ये नॉट जब अंदर आएगा ये एंड सिंबल और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसको अंदर डालते हैं तो नॉट नॉट ए हो जाएगा, ये और एंड बन जाएगा और ये नॉट नॉट बी, ठीक है, और बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा अब ये एंड है और बाहर और है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डालते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ए और बी इसको लिखते हैं और एंड को मिडिल में डालते हैं, फिर क्या लिखेंगे, नॉट बी और बी और नॉट ए। अच्छा आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ट्रू। तो ए और बी एंड नॉट बी और बी, इसका आंसर होता है ट्रू और नॉट ए, ठीक है। अब ये एंड ट्रू, तो ट्रू को किसी के साथ भी एंड करो तो रिजल्ट जिसके साथ एंड कर रहे हो वही आता है, क्योंकि ये ट्रू है। तो ये एज इट इज ए और बी होगा, ट्रू हट जाएगा, अच्छा फिर ब्रैकेट हम उठा देते और नॉट ए। तो फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम लिखेंगे इस पूरे के साथ ए को लिखेंगे, मतलब ए और नॉट ए। अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सभी और पे आ चुका है, तो सिंपली हम बी को बाहर रखते हैं और ए और नॉट ए का पेयर बनाते हैं,
ठीक है, तो ए और नॉट ए का पेयर बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ए और नॉट ए ट्रू होता है, हमने यहाँ पे भी देखा था ये ट्रू होता, तो ये ट्रू होगा। तो ट्रू और बी, तो आपको पता है और के साथ ट्रू हो तो आंसर क्या आ जाता है, कोई भी वेरिएबल उसके साथ और ट्रू हो तो आंसर आ जाता है ट्रू। तो एंस हमने प्रूव कर दिए कि जी इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, तो हमने प्रूफ कर दिए कि जी इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ई वन एंड ई टू, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है प्रूफ्ड। तो होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इग्नू में बहुत बार आ चुका है, मतलब मैंने तो 3 बार देखा है सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।